आप बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, शानदार। चलिए तो अब और स्टॉक्स कौन से अच्छे प्रदर्शन दिखा सकते हैं वो पूछ लेते हैं। हमारे साथ किरण जाधव .com के किरण जाधव जुड़ चुके हैं पुणे से। किरण जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए अपने स्टॉक्स और लॉन्ग शॉर्ट किस तरह के हैं आज शेयर? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, हेमंत जी। मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा पीएसयू बैंक सेक्टर थोड़ा सा वीक देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कल तोड़े हैं तो कैन बैंक का पहला सेल कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 120 का और टारगेट्स के लिए पहले 112 के आ जाने चाहिए। अगर दो दिनों का व्यू है तो 106 के लेवल्स आ जाने चाहिए। 112 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर टूटते हैं तो डेफिनेटली 106 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा ओरिएंटल बैंक, जहाँ पे शॉर्ट कॉल भी लेना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स, सॉरी मैंने कुछ गलत बात की, पहले कैन बैंक की बात करेंगे। 346 का स्टॉप लॉस रहेगा और 317 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओरिएंटल बैंक का स्टॉप लॉस 120 रहेगा, टारगेट्स 112 और 106 दो दिनों का व्यू रहेगा। और अजंता फार्मा में बाय कॉल है पर कंडीशनल बाय है, 1545 के ऊपर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1520 का रखना चाहिए और 1645 के दो दिन में टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये है तीन स्टॉक्स जिस पर रखे नजर। हमारे साथ स्टॉक्स में कोई हेडसन एग्रो एक और स्टॉक है जो काफी तेजी से भागा था। किरण इसके चार्ट देख लीजिए जरा, कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे। इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक बेरिश व्यू नहीं दूंगा, करेक्टिव रैली के नाम दूंगा। और इसका 900 के ऊपर नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा, तब मेक और ब्रेक लेवल 820 ऑफ द लोअर साइड 900 ऑन द हायर। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस आर को हम दोनों बैन में, आप कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, इंट्राडे के लिए वो बड़े रिस्की हो जाते हैं, लेकिन आर इंफ्रा और आर कैप परफेक्ट है शॉर्ट के लिए आज। बिल्कुल अनिल जी, आर रिलायंस इंफ्रा तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। मेरा पहले टारगेट ट्रेडिंग के लिए 510 के करीब रहेंगे और स्टॉप लॉस करीबन 528 के रहेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बेटर है। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो रिलायंस कैपिटल में भी शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहिए। इधर थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर रहेगा, 571 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 532-533 के लेवल्स। एनसीसी देखिए 3% नीचे, जैन इरिगेशन एफएनओ के